नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है बिहार शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक और आपकी भर्ती आने वाली है। जैसा कि आपको बताया, वर्तमान में 1,80,000 पदों पर आपकी भर्ती चल रही है, और यहाँ पर आपकी नई भर्ती जो आने वाली है वो अक्टूबर नवम्बर में फिर से आने वाली है, और 1,00,000 से ज्यादा आपको पद यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही जल्दी सरकार इस पर काम कर रही है, और आप इसमें न्यूज आर्टिकल में पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए पढ़ने के लिए यहाँ पे मिलेगा। देखिए, राज्य में जल्द ही शिक्षकों की एक और बड़ी बहाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार के स्कूलों को शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए आने वाले समय में होने वाली भर्ती में शिक्षा विभाग की तैयारियां शुरू करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर नवम्बर में नई बहाली विज्ञापन जारी हो सकता है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उनके शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने इस विभाग में रिक्त मुख्यमंत्री ने कहा है, इसमें जितने भी रिक्त पद हैं, रिक्त शिक्षकों के पदों पर जल्द भरने के निर्देश दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन पदों को भर दीजिए। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने शिक्षा मंत्री को चंद्रशेखर व शिक्षा विभाग के ऊपर सचिव से कहा है कि बीपीएससी की तरफ से वर्तमान शिक्षकों प्रक्रिया प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद ही शिक्षकों की एक और तैयारी कराएं, पर हर हाल में शिक्षकों की कमी को पूरा करें। तो बहुत ही जल्दी भरने के निर्देश दिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा यहाँ पे आपका ये न्यूज आर्टिकल है, इसको पूरा पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर और भी बात इन्होंने कही है, सीएम से मिले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और अपर सचिव के पाठक। जी ट्वेंटी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश जी ट्वेंटी सम्मेलन में शामिल होकर इसके लिए शनिवार को दिल्ली पहुंचेंगे और समारोह में शिरकत करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी यहाँ पे न्यूज दी गई है। तो और सबसे बड़ी जो न्यूज है आपके लिए वो यहाँ पर यही है कि आपके जो टीचरों की भर्ती है वो 1,00,000 से ऊपर और आने वाली है। सीएम हाउस में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा विभाग के राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को पूरा करने के लिए टास्क दिया गया है। इसके अलावा मीटिंग में शिक्षा से जुड़े नीतिगत मामलों पर चर्चा की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इससे पहले हुई मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे उनके पालन के संदर्भ में उठाए गए कदमों की जानकारी ली गई है, मुख्यमंत्री ने ली है। सूत्रों का यह कहना भी है कि बैठक में हाल ही में शिक्षकों के नियोजन में बीएड डिग्री धारकों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई है। उल्लेखनीय है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों में प्रदेश में शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने एक बार फिर 1,00,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए यहाँ पे घोषणा कर दी है। तो आपके 1,00,000 से ऊपर फिर से आपकी भर्तियां आने वाली हैं। तो लग जाइए, बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, आपको जरूर से सक्सेस मिलेगी, और मेरा ये वादा है। और हर एक पल पल की अपडेट यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।